खुल जा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये होने वाली है बहुत क्यूट सी वीडियो। मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ की अनबॉक्सिंग। और तो मैं सोचा वो इतनी क्यूट सी चीज़ है, मैं भी थोड़ी क्यूट सी बन जाऊँ। तो कमेंट्स बताना अगर मैं क्यूट लग रही होंगी तो बहुत छोटी सी वीडियो है, क्विक सा व्लॉग है ये। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, स्नैप फैम ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। बहुत छोटा सा क्विक व्लॉग है, सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी कलर, इसलिए मैंने स्पेशली कलर का टॉप पहना है और रबर बैंड और हेयर तो मेरे हैं ही प्रॉपर। तो चलो दिखाती हूँ आपको। ये है इंस्टेक्स का फ्यूजी फिल्म का मिनी कैमरा और मैंने मिनी 11 लिया है क्योंकि मिनी 11 लेटेस्ट है। तो मैंने सोचा इसका गिफ्ट बॉक्स ही ले लेती हूँ क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा, मुझे सेपरेटली कुछ नहीं मंगवाना पड़ेगा। और ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और इसका प्राइस सब कुछ बताती हूँ आपको। एक बार इसको पहले अनबॉक्स कर लेती हूँ आपके सामने। मैं इसको और पहले अनबॉक्स कर चुकी हूँ, पिक्चर भी क्लिक कर चुकी हूँ। फर्स्ट पिक्चर मैंने ये क्लिक की है, सेकेंड पिक्चर मैंने ये क्लिक की है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो चलो गिफ्ट बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं अपने इंस्टेक्स मिनी 11 की। इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। जैसे सोचा था उतना सुंदर तरीके से नहीं खुला, बट टडा खुल गया है। सो इसमें 4 बॉक्सेस थे। एक में है अपना, इस रिबन के हेल्प से ही निकल जाएगा कैमरा, ठीक है। एक में आई है इसकी जो हम रील लगाएंगे वो। ये है कुछ क्लिप्स विद ये थ्रेड और कुछ ऐसे एनवलप्स हैं जिसमें आप पिक्चर लगा सकते हो जो हम क्लिक करेंगे। और एक पिक्चर के लिए बुक भी आई है तो आप इसमें लगा सकते हो एल्बम। तो चलो ये सब तो हम बाद में देखेंगे। हाँ, इसके साथ मिला है मुझे 1 ईयर की वारंटी, ठीक है। एंड ये कुछ चाइनीज़ में लिखा है, ये कुछ नहीं है, 1 ईयर की वारंटी कार्ड है। इसको भी साइड में रखते हैं, बंद नहीं करोगे बहुत देर में खुलेगा। तो बात करते हैं हम इस क्यूटी पाई की। मिनी 11 भी, मिनी 9 भी था लेकिन वो पुराना था, तो मैंने लेटेस्ट सर्च करा तो मैंने मिनी 11 लिया। और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हैं अवेलेबल, ये सारे कलर ऑप्शन हैं, आप देख सकते हो, जो आपको क्यूट लगे आप वो लेना। मुझे पर्पल आजकल बहुत पसंद आ रहा है तो मैंने पर्पल कलर का मंगवाया है। तो चलो अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। तो ये है वो क्यूट सा कैमरा, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं सिस्टम। पहले देखते हैं इसके बॉक्स में क्या निकला है। इसको पहले यहाँ रखते हैं। इसके साथ निकला है एक ये थ्रेड, इसको जो भी बोलेंगे ये दो जगह यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं जिससे यार कैमरे की सेफ्टी के लिए। और ये दो बटन टाइप की चीज़ें हैं एक्चुअली, ये जो यहाँ से जहाँ से हम पिक्चर क्लिक करते हैं उस पे स्टिकर लगा के लगाने के लिए, जस्ट फॉर डिटेलिंग। से इसकी एक एसेसरी, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। मुझे पसंद भी नहीं आया ज़्यादा, मैं बताती हूँ क्यों पसंद नहीं आया। और इसके अंदर कुछ इसकी हाउ टू यूज़ मैनुअल्स हैं इसके, तो ये भी हमारे कुछ अभी काम के नहीं है। इसके बॉक्स में कुछ नहीं आता है। सबसे पहले मैं इसका ये थ्रेड लगा लेती हूँ। तो ये मैंने बांध लिया है तो ये ईजी टू हैंडल हो गया है। अब ये, अब मैं भी दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये दोनों, एक वाइट कलर का है, एक पिंक कलर का है और एक ये आपको स्टिकर मिलता है। ये स्टिकर आपको पहले इस पर पेस्ट करना है, ये स्टिकर आपको इसके ऊपर पेस्ट करना है और उसके बाद ये आपको यहाँ लगा देना है तो आपका कैमरा कुछ ऐसा दिखेगा। आप इसको नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। मैंने इसको पेस्ट किया था लेकिन इतना अच्छा गम नहीं था, इतनी अच्छी पेस्टिंग नहीं थी, वो निकल गया तो ये गिर गया। तो मैंने इसको रख ही लिया था कि मैं लगाती नहीं हूँ, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो बात करते हैं इस कैमरे की और डिटेलिंग की, ये कैसे स्टार्ट होता है। तो यही इसका ऑन ऑफ का बटन है, इसको आपको पुश करना है तो ये कैमरा आपका ऑन हो चुका है, ठीक है। और इसमें एक सेल्फी मोड भी है। उसमें क्या है कि आप इसको थोड़ा सा पॉप करेंगे तो उसका सेल्फी मोड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ भी है सेल्फी मोड, आपको सेल्फी मोड की नीड नहीं है तो आप उसको
बंद कर सकते हो और ऐसे ये बंद हो गया है। लाइक मैं आपको सिखाती हूँ इसको ओपन करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करो, ओपन हो गया। और अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको अपने हाथ से ही इसको प्रेस करना होगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये तो था बस इसका ऑन ऑफ, इसको करना कैसे है। सेकंड बात की जाए जो इसके अंदर फिल्म लगी है, फिल्म बॉक्स, उसको कैसे लगाना है, बहुत सिंपल है कि यहाँ से ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये है मेरा वो फिल्म बॉक्स, इस पे भी एक येलो कलर का मार्क है और यहाँ ऊपर भी एक येलो कलर का मार्क है। आपको बस इन दोनों को मैच करके लगाना है, बहुत ईजी है, और लगा कर इसको प्रेस कर देना है। यहाँ पर ये इंडिकेट करके बताता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ काउंट्स के शॉट्स बाकी हैं। इसमें आप एक रील में आप 10 शॉट्स ले सकते हो, 10 शीट्स हैं इसमें। तो अभी तो ये वैसे दिखाते हैं कि कितने यहाँ पर बचे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉट्स दिखाता है वो। अभी जैसे मैंने 2 ही शॉट लिए हैं तो ये 8 शॉट्स रिमेनिंग दिखा रहा है। जैसे जैसे आप रील इस लगाओगे न्यू तो ये एस पे होगा और जो आपका फर्स्ट क्लिक होगा वो ब्लैंक शीट निकलेगी। लाइक आपने न्यू अगर फिल्म लगाई है, न्यू फिल्म रोल लगाया है और उसके बाद आपने क्लिक किया है तो एक ब्लैक कलर की शीट निकलेगी, वो ब्लैंक होगी, उसका आपको कुछ यूज़ नहीं करना। उसके बाद जो आप क्लिक करोगे वो आपकी सुंदर से पिक डेवलप होके आएगी और यहाँ से आप लाइक देख सकते हो इसका बहुत अच्छा फ्लैश है। और लाइक इसके जब आप देखोगे तो आपको बीच में एक सर्कल भी बना हुआ आएगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट को मेन फोकस में आप उसको सेंटर में ले सकते हो। इंस्टेक्स 11 की एक ये भी खासियत मैंने पढ़ी थी, ऑब्वियसली मैंने खुद वीडियोस देखी थी, कंपैरिजन वीडियोस देखी थी 9 एंड 11 की कि क्या न्यू फीचर है, 11 क्यों लूँ मैं। तो उसमें था कि इसमें ऑटो एक्सपोजर है कि रात के टाइम पे भी पिक्चर्स अच्छी क्लिक हो जाएंगी, लाइटिंग काफ़ी अच्छी होगी तो और थोड़ी क्वालिटी अच्छी होगी, तो मैंने कहा चलो यही लेते हैं। एंड बस यही थी इसकी खासियत। और आजकल वैसे पिक्चर्स वगैरह नॉर्मल कैमरे से हम क्लिक करते रहते हैं, फिर वो पड़ी रहती हैं अपने फ़ोन्स में या लैपी में पड़ी रहती हैं। लेकिन इसको लेने का मेरा एक यही रीज़न था कि फॉर मेमोरी के लिए एक पिक्चर क्लिक करो जो तुरंत डेवलप होके आ जाए और आप उसको लगा सकते हो अपनी एल्बम में, तो फॉर मेमोरी रख सकते हो। और इसके साथ ये भी है कि फ़ोन में तो क्या होता है, पिक्चर हम क्लिक करते जाते हैं, और इसमें क्या है, हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ 10 ही शॉट्स हम ले सकते हैं, तो हम सेलेक्टिव चीज़ों के 10 शॉट्स लेंगे, क्योंकि हमें एक शॉट पड़ेगा करीबन 50 या 55 रुपये का, क्योंकि जो इसके अंदर मैंने फिल्म बैक लगाया है उसमें सिर्फ 10 फिल्म्स होती हैं, तो और वो 550 के अराउंड, 500-600 के आसपास का आ रहा है, तो लमसम बताया जाए तो एक फ़ोटो आपको 50-55 रुपये की पड़ेगी छोटी सी। प्लस मुझे ये भी अच्छा लगता है कि जो फोटो आती है उसमें नीचे स्पेस भी होता है थोड़ा, कि आप कुछ लिख सकते हो फॉर मेमोरी, कुछ लिखना आप चाहते हो तब आप उसको एल्बम में लगा सकते हो। तो यस, ये था वो कैमरा और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये मुझे कितने का पड़ा, ये मुझे पड़ा था 6,567 रुपीज़ का। और ये मुझे इसलिए इतने का भी पड़ा क्योंकि मैंने पूरा गिफ्ट बॉक्स लिया था। प्राइस वेरी कर सकते हैं अगर आप सेपरेट ये लो, प्लस मैंने सेल लिए थे। हाँ बताना तो भूल ही गई कि ये सेल से चलता है, ऑफ है ना, क्योंकि पिक्चर क्लिक हो जाती है गलती से भी। हाँ इसमें 2 सेल लगते हैं, तो गिफ्ट बॉक्स में तो सेल लगे हुए आए थे, तो ये मैं आपको मेन चीज़ तो बताना भूल ही गई थी कि ये सेल से ऑपरेट होता है, बैटरी से ऑपरेट होता है। तो अभी तक तो मैंने लगाई रखी है, मैंने अब तक सिर्फ 2 पिक्चर इससे क्लिक की है और वो 2 पिक्चर्स मैंने उस एल्बम में लगा भी दी है, एल्बम बुक में। तो बात अब दिखाती हूँ मैं आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ आई है। ये इसके अंदर एक आया था, और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फ्यूजी फिल्म की इंस्टेक्स फिल्म लेंगे तो वो मिनी ही लेना, क्योंकि इन कैमरे के लिए जो भी फिल्म चलती है वो मिनी ही चलती है, वो आप ध्यान से लेना। और ये बॉक्स भी आता है आपका 550 रुपये का, तो ये मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि पहली फिल्म ब्लैक निकलेगी, तो वो ये है फर्स्ट फिल्म, जो फर्स्ट फोटो थी ब्लैक निकली थी, तो घबराने की बात नहीं कि आपका कैमरा ख़राब है, दूसरी आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी पिक्चर मिल जाएगी। ये एक छोटी सी इन्होंने मुझे बुक भी भेजी है, एल्बम बुक। और मैंने आपको बताया था कि मैं 2 पिक्चर क्लिक कर चुकी हूँ, एक मैंने मम्मी पापा के पिक्चर क्लिक किए, मैंने ओजू की पिक्चर क्लिक किए, तो वो मैंने 2 इसमें लगा दी हैं। बाकी मेरे प्लान्स बहुत अलग अलग हैं कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, इसके लिए मैं एक छोटा सा बैग भी ऑर्डर करूँगी,
और उसमें इसको कैरी करूँगी। मुझे है कि मैं जहाँ जहाँ भी घूमने जाऊँ या जो जो भी मैं मेमोरीज कलेक्ट करूँ तो वहाँ की मैं पिक्चर्स क्लिक करके अपने रूम में लगाऊँ, और तो वो लाइव पिक्चर्स होंगी। मैंने ये दो पिक्चर्स लगाई, फिर मैं पापा को बोलती हूँ, पापा कुछ याद आया बचपन में जब आप कैमरा से पिक्चर क्लिक करते थे तो हम वेट करते थे कि कब रील से वो पिक्चर्स डेवलप होके आएंगी, कब हम एल्बम देखेंगे, और सारे लोग साथ में बैठ के एल्बम देखते थे। आप ही रिलेट कर सकते होंगे, 90s वाले किड तो आराम से इस चीज़ को रिलेट कर सकते होंगे कि वो कितना ज़्यादा एल्बम का वेट करते थे, वो फोटोज़ अब आई हैं निकल के। तो ऐसी लगी हुई फ़ोटोज़ देख के ना मुझे वही वाइब आ रही थी कि हाँ यार कितना मज़ा आता था ना, वो भी क्या दिन थे। तो मैंने ये इसलिए मंगवाया, एज सच मेरा और कोई इसको मंगवाने का प्लान और रीज़न तो नहीं था। बाकी अगर आप भी कुछ प्लान कर रहे हो मेमोरी वगैरह क्रिएट करने का, कुछ ऐसा प्लान है तो आप ले सकते हो। काफ़ी लोगों को ये वर्थ इट नहीं भी लगता क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है, फिर रील खरीदना बार बार वो कॉस्टली है, लेकिन सही है, काफ़ी बार कलेक्शन में आप ऐड कर सकते हो। मुझे भी बहुत टाइम से लेना था, मैंने फाइनली ले लिया। होप आपको ये मेरी वीडियो पूरी समझ आ गई होगी, इसकी अनबॉक्सिंग, इसको कैसे यूज़ करना है, मैंने इसको कहाँ से लिया, मैंने इसको कितने का लिया। और अगर कुछ ऐसी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ आंसर दे दूँगी। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आई एम सॉरी, वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में बताया, मैं इतना सीरियस लॉग ये बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अपने छोटू क्यूटूस के लिए है ना प्यारा सा। तो चलो कमेंट्स बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, लव यू। मैं तो चली पिक्चर क्लिक करने, सेल्फी लूँगी, बाय। ले लो क्या?